नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में उस समय कौतूहल मच गया जब पता चला कि प्रसव कक्ष में एक महिला ने एक अद्भुत बच्चे को जन्म दिया है। महिला का नाम सुभद्रा देवी, पति मनोज यादव है, जो नौगछिया के धोबिनिया के रहने वाली हैं। महिला का मायका खरीक के लतीपुर में है। मौके पर उपस्थित परिजनों ने बताया कि प्रसव पीड़ा होने के बाद सुभद्रा देवी को नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक अद्भुत संरचना वाले बच्चे ने जन्म लिया जिसके दो सर, चार हाथ और तीन पैर है। वहीं जुड़वा बच्चे की नानी बिमला देवी ने बताया कि उसकी पुत्री सुभद्रा के चार बच्चे पहले से है। पहली तीन लड़की और एक लड़का है, यह पांचवा बच्चा है जो पूरे 9 माह के बाद जन्म लिया। उन्होंने बताया कि प्रसव पीड़ा होने के बाद उसे नौगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां प्रसव होने के बाद पता चला कि यह बच्चा अलग संरचना वाला है। जुड़वा बच्चे के दो सिर, चार हाथ, तीन पैर हैं। ये जानकारी मिलने के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और आपस में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। घर कहाँ? लतीपुर। बच्चा इसका मम्मी का क्या नाम है? पिता का? मनोज यादव। कितने महीने के बाद हुआ? कितने महीने का बच्चा हुआ है? कितने महीने के बाद? फुल महीना हो गया है? 9 महीना। कितने महीने के बाद हुआ? 9 महीने। 9 महीना। कितने बजे हुआ है लमसम? 11 बजे। 11 बजे हुआ। पहले से भी बाल बच्चा उसको है? हाँ। क्या गो है? क्या सब है? 3 लड़की 1 लड़का। 4 बजे 5 मास की। ये 5वां था। 3 लड़की 1 लड़का पहले से है। ठीक है। मायके कहाँ है इसका, लड़की का? लड़की मायके से लड़की।